पितृपक्ष समाप्त होते ही 9 दिनों तक चलने वाले देवी उपासना के पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रायगढ़ जिले में मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं दुर्गा पंडालों को आकर्षक तरीके से सजाने का कार्य भी चल रहा है। रायगढ़ शहर में 80 से अधिक स्थानों पर दुर्गा पंडाल लगाए जा रहे हैं। यहां दुर्गोत्सव समिति के लोग आकर्षक झांकियां बनाने में लगे हुए हैं। इस बार चक्रधर नगर इलाके में चंद्रयान की झांकी बनाई जा रही है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चक्रधर नगर दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष आशीष ताम्रकार ने बताया कि चक्रधर नगर में पिछले 21 सालों से दुर्गा पंडालों में आकर्षक झांकियां लगाई जाती हैं, जो लोगों को आकर्षित करती हैं। माता जी की यहाँ आराधना, माता जी का पूजा हो रहा है। दुर्गा पूजा लगभग पिछले एक महीने से हम तैयारी हमारी समिति कर रही है। इस बार आकर्षक रूप में सभी श्रद्धालुओं को माता जी के पंडाल में चंद्रयान का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। 20 फुट का चंद्रयान 15 फीट ऊपर जाके मूविंग करेगी और राइट साइड में आपका लैंडर उतरेगा। इस प्रकार से तत्कालिक जो राष्ट्रवादी एक विषय है चंद्रयान का, जो भारत की बड़ी उपलब्धि है, माता जी के पंडाल में उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी समिति का एक विशेष आकर्षण श्रद्धालुओं के मन में रहता है कि इस बार समिति ने क्या ऐसा विशेष किया है, एक आकर्षण का मुद्दा रहता है। इसके पहले हम लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, स्वर्ण मंदिर, संसद भवन, लोटस टेम्पल, ऐसे तमाम सेंड आर्ट, ऐसे तमाम माध्यम से अच्छा झांकी हम प्रदर्शित किए हैं और समिति पूरा तत्पर है। समिति पूरी मेहनत कर रही है और हमें विश्वास है कि इस बार हमारी झांकियां और हमारी सुंदरता, भव्यता, पंडाल का लाइट सज्जा, तमाम ऐसे चीज़ श्रद्धालु देखने के लिए आएंगे तो उनको पसंद आएगा और निश्चित रूप से माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आगामी 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।